गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है, आप पर की गई हर बुरी शक्ति को हराया जा रहा है। आप पर किया हुआ हर नेगेटिव एनर्जी अटैक को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी कि आपके ऊपर कौन सी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो अटैक करने की कोशिश करती हैं, ओके, बट नाकामयाब हो जाती है। कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहती है, आपको परेशान करना चाहती है? सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखूंगी, ओके गाइस। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी और हो सकता है इसमें से कुछ पोर्शन आपके साथ रेजोनेट हो और कुछ ना हो। प्लीज़ जो रेजोनेट है वो ले लीजिए एंड आइए देखते हैं कि कौन सी नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करने की कोशिश करती है। ओके, सेवन ऑफ वॉन्स, व्हाई इज दिस सेवन ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर बोलूँ ना, नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर सबसे ज़्यादा तब अटैक करती है जब आप कुछ अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो। आप बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने की सोचते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते हो, कुछ अच्छी चीज़ें करने की सोचते हो, कि बड़ा डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ में, है ना, अपनी लाइफ चेंजिंग चीज़ें करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं करी, आप एक्सरसाइज करने लग गए, योगा करने लग गए, या फिर आप अपने करियर को, अपने मनी को सीरियसली लेने लग गए, तब नेगेटिव एनर्जीज को बहुत अच्छा नहीं लगता कि आप ये सब इतने जागरूक क्यों हो रहे। वो चाहते हैं कि आप सोए रहो, ओके, जिसकी वजह से वो आप पे आपके ऊपर ऑब्स्टिकल्स लगाती हैं, ओके। ये और देखते हैं कौन सी नेगेटिव एनर्जीज है जो आपके ऊपर अटैक करती है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज एक तरह से मैं कहूँ, ये एनर्जीज आप इन्वाइट करते हो, ओके। ये एनर्जीज आप कैसे इन्वाइट करते हो? देखिए, सबसे पहली बात, आप जिस जब भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैरिश्मा बढ़ने लग जाता है, मैग्नेटिज्म चार्म बढ़ने लग जाता है, जब आप लोगों के बीच में जाते हो और लोग जब आपको देखते हैं, लोगों को जब लगता है कि यार आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो उनके अंदर नहीं हैं, ओके, या फिर आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो आपके पर्सनल होती है, आपकी लाइफ के अंदर पर्सनल होती है और जो आपको एक तरह से नहीं कहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ है, ओके, आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है या आपके घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रहें, कोई भी एक तरह की ऐसी चीज़ें जो आप कहते हो या शो करते हो लोगों के बीच में, तब नेगेटिव एनर्जीज अटैक करती हैं, ओके। आइए और देखते हैं कि कौन सी नेगेटिव एनर्जीज आप पे अटैक करने की कोशिश करती है, आपका परेशान करने की कोशिश करती है। आइए, लेट्स सी। ओके, देखिए, अगर बात करूं ना, देखिए, ये मेल भी हो सकती है और ये फीमेल भी हो सकती है, ये दोनों तरह के लेवल पे हो सकती है। और इवन नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर तब भी अटैक करती है, अगर मैं फिजिकल फॉर्म में बात करूँ तो फिजिकल फॉर्म में उन लोगों से आती है जो लोग थोड़े से अथॉरिटिव टाइप के हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी बात मनवाने टाइप के, अब डोमिनेट टाइप के, कि डोमिनेट करते हैं वो, आपको हर चीज़ पे आपको डोमिनेट करेंगे, वो चाहते हैं आप उनके एक तरह से नौकर बन के रहो, जी हजूरी बिल्कुल वैसे भर करो, ओके, उनके अकॉर्डिंग ज़िंदगी जियो और वो आप पे पूरी तरह से रूल करें। ऐसे जो लोग होते हैं ना डियर, वो लोग बहुत बड़ा सोर्स होते हैं नेगेटिव एनर्जी का, ओके। और जब आप उन अगर आप पहले उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे और अगर आपने उनकी कोई बातें मानी, ओके, और कुछ टाइम ऐसा रहा कि आपने उनकी बात नहीं मानी, आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चले, आप उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और जब वो गुस्सा करते ना, वो एक तरह की बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। देखिए डियर, ये जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाले लोग होते, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है और ये चाहते कि बस इन्हीं की हुकूमत की जाए, और ये इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती है, ओके, मतलब मान लीजिए 90% एनर्जीज इनके ऊपर नेगेटिव होती है। और जब आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो फिर भाई उनके गुस्से का शिकार बनते हो। उनके गुस्से का शिकार बनना मतलब उनके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज है
उनके गुस्से का शिकार बनना। ओके, अभी मैं बात सिर्फ इन चीजों की कर रही हूं, मैं अभी आगे और बात करूंगी कि आप की जो शक्तियां हैं, आपकी जो दिव्य शक्तियां हैं, जिनके भी आप प्रार्थना करते हो, जिनसे को भी आप मानते हो, वो कैसे लड़ रही है, मैं ये आगे और बताऊंगी। पर पहले मैं ये देखना चाहूंगी कि कौन सी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके ऊपर अटैक करती हैं। ओके, अच्छा ये पता है, ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन रोमांटिक भी हो सकता है। ये कनेक्शन स्पेशली ऐसा भी होता है ना, कितनी बार हम ऐसे लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो थोड़े से ना वैसे होते हैं, साइको टाइप के होते हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहते हैं, हम ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो, जो हमारे हमें हमारे बारे में दिन रात सोचे। ओके, हमारे थॉट ऐसे होते हैं, और क्योंकि हमारा नेचर ऐसा होता है कि यार अच्छा हम देखो हमें प्यार कर रहा है, हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है, और वो जो लोग हैं ना, वो लोग ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं। ओके, तो हो सकता है कि ऐसे लोग भी हों आपके लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में जो बहुत कम एज के हैं। ओके, कम एज के हैं और जो कॉलेज जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो उनके ऊपर इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। ओके, आइए और देखते हैं कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज अभी अटैक कहाँ कहाँ से कर रही है, क्या हो रहा है, मैं ये देखना चाहूंगी। डेस्टिनी, देखिए मैंने कहा था ना, ये पार्टनर से भी आती है। ओके, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये यिन यैन। ओके, ये कुछ लोगों की पार्टनर से आ सकती सकती है, रिलेशनशिप से आ सकती है। और क्योंकि अच्छा एक चीज़ और, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट परफेक्शनिज्म वाली बीमारी है उनको, होती है उनको, वो हर चीज़ में ना वो बिल्कुल अप टू डेट दिखेंगे। अगर मैं बात करूँ ना कि नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, ऐसे लोगों से आती है जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा परफेक्ट, ओके मतलब बिल्कुल सब कुछ, सब चीज़ें अप टू डेट चाहिए उन्हें, बिल्कुल सब चीज़ें अप टू डेट, सारे काम अप टू डेट, ऐसे जो लोग होते हैं ना, आप समझ जाए हो, आई होप आपने देखे होंगे। मुझे लगता है कि आप लोग अब इतने ज़िंदगी में इतने आगे हो गए हो कि आपको ऐसे लोग ज़रूर दिखे होंगे। ओके, और देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर कहाँ से आती है, कौन कौन कहां से आती है, किन से आती है। ओके, कंप्लीशन, बर्डन एंड साइलेंस। अच्छा एक चीज और, स्पेशली आप में से कुछ लोगों के ऊपर मैं कह सकती हूं कि इवन रात में, रात में किसी तरह की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज अटैक होते हैं। अभी प्लीज डरिएगा बिल्कुल भी मत, बिल्कुल भी मत डरिएगा। ओके, और वो आपको गाइड करते हैं, गाइड कैसे करते हैं, नेगेटिवली गाइड करते हैं, ये करो वो करो। आप समझ जाओ, जब आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बैठे हो, पूरे टाइम बैठे हुए हो, ओके पूरे टाइम ना टीवी मोबाइल ये चला रखा है आपने, और आप खा रहे हो बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हो, खराब खराब चीज़ें खा रहे हो, खराब चीज़ें सोच रहे हो, आप समझ जाओ आपके ऊपर कोई एक तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास घूम रही है। ओके, और आपको इन सब से बचना है। जो लोग भी इस ऐसी वाली ज़िंदगी जीते हैं, और एक और बात, जो लोग बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं और बहुत ज़्यादा बैठ के बस चीज़ें देखते हैं, मोबाइल में खराब चीज़ें देखते हैं, अकेले रहना, मोबाइल में खराब चीज़ें देखना और खराब खाना खाना, बाहर नहीं जाना, नेचर के पास नहीं जाना, मंदिरों तो दूर की बात है, मंदिर वंदिर सब दूर की बात है। ओके, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं, आप समझ लीजिए कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज हैं। ओके, अब मैं स्पेसिफिकली देखना चाहूँगी कि अभी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज किस फॉर्म में हैं। प्लीज़ 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 मैं आप वापस हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि आप इस चीज़ से को डरिएगा मत, बिल्कुल भी मत डरिएगा इस चीज़ को। ओके, सी देखिए, वो आपको दूर से देख रही हैं, दूर से देख रही हैं, सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हैं कि आप क्या क्या चीज़ें करते हो, आप पूरे दिन भर में क्या क्या चीज़ें करते हो, कोई और वो देख रही है कि कोई एक ऐसा मौका मिल जाए जहाँ पे आपने कुछ गलत करा, कुछ गलत सोचा, कहीं पे डरे, किसी भी तरह का, किसी प्रकार का कोई डर क्या आपके अंदर है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर आने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखती है। ओके, वो देखती है कि ये बंदा किसी चीज़ से डरता है, चेक करो चेक करो, अच्छा ये इस चीज़ से डरता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप डरते हो आपके घर में आपके किसी मेल मेंबर के लड़ाई झगड़े से,
आप डरते हो, ओके, तो वो उसे उकसाएंगे, वो क्या करेंगे, वो उन्हें उकसाएंगे, उन पे गुस्सा कर उन्हें गुस्सा करवाएंगे ताकि आप लोअर वाइब्रेशन में जाओ। जैसे ही आप लोअर वाइब्रेशन में जाओगे फिर आप पूरी तरह से तैयार हो उनके उनके लिए, ओके। तो वो आपका डर चेक करते हैं, वो आपका फियर चेक करते हैं, किसी तरह का एंजाइटी तो नहीं है, किसी तरह का स्ट्रेस तो नहीं है, किसी तरह प्रकार की कोई भी ओवर थिंकिंग तो नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, आपने किसी प्रकार की कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, कोई भी तरह का कोई गलत रास्ता तो नहीं है, वो ये सब चीज़ें चेक करते रहते हैं। अगर कुछ भी मिल गया मतलब उनके लिए रास्ता तैयार हो जाता है, ओके। और देखना थे, लेट्स सी आपके ऊपर किस तरह की नेगेटिव एनर्जीज अटैक करने की कोशिश कर रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओहो वाओ, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, और टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अब अगर मैं बात करूँ ना नेगेटिव एनर्जीज की, ये नेगेटिव एनर्जीज वो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको पूरी तरह से रूल करना चाहती हैं। और ये नेगेटिव एनर्जीज हो सकता है कि आपके फैमिलीज में से कोई पास अवे हो जाते हैं ना। देखिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, हो हमारे एंसेस्टर्स भी बनते, पर कुछ एनर्जीज कुछ सोल्स ऐसी होती है जो बहुत जिन्होंने बहुत जीवन खराब जिया होता है, बहुत ही खराब मतलब बहुत ही खराब कैसे मतलब कह सकते हो कि खराब कामों में जिया होता है, तो वो सोल्स पास ऑन होके नेगेटिव एनर्जीज बन जाती है, आप ये समझ लीजिए। तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो हैं, ओके। वो किसी भी तरह का मैनिपुलेशन करती है। अगर मान लीजिए आप जिंदगी में अकेले हो, अभी राइट नाउ आप अकेले हो, तो आपके अंदर ये इच्छा पैदा करेंगी कि तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए, तुम्हारे पास कोई होना चाहिए, आप बहुत अकेले हो, ठीक है, तुम्हारे पास कोई रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड होना चाहिए, ये चीज़ें आपके अंदर डालेंगी, ओके। या अगर मान लीजिए आप अपनी लाइफ में किसी से परेशान हो, ओके, तो वो एक तरह का आपको दिलासा देंगी, नहीं ये खराब है, देखो मेरे पास आओ, मेरे पास, कुछ इस तरह की आपके अंदर इच्छाएं पैदा करेगी, ओके। ये इच्छाएं पैदा करेंगी और फिर आप उनकी उनका एक तरह का खाना नाश्ता बन जाते हो, ओके। प्लीज है ना, देखिए मेरी रीडिंग पे कोई ये कमेंट मत कीजिएगा कि मैडम ये नेगेटिव रीडिंग है। मेरी रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये है आप लोगों को जागरूक करना कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रस्ते मिलते हैं नेगेटिव एनर्जीज को आपके ऊपर आने में। और अभी मैं ये भी दिखाऊंगी कि आपकी नेगेटिव एनर्जी से कैसे लड़ा जाता है। ये अभी रुक जाइए, ट्रेलर आना बाकी है, क्लाइमेक्स आना बाकी है, ओके। तो ये आपकी फैमिली में जो पसों हुए लोग होते हैं ना, वो भी जो अतृप्त अतृप्त सोल्स जो होती है ना, ये वो हो सकती है, ओके। और अगर मैं बात करूँ ना, ये स्पेशली कहाँ कहाँ अटैक करती है, ये इवन जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके ऊपर भी करती है, ओके, क्योंकि वो बहुत इजी इजी रास्ता है, बहुत इजी रास्ता है वहाँ पे जाने का, तो वो वहाँ पे भी करती है। अब उन्हें क्या मिलता है, ठीक है, उन्हें वो उन देखिए ये इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होती है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर इच्छाएं होती है जो ये पूरी नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं ना, ये एक तरह से पॉजेस मैं नहीं कहूँगी बट फिर भी आपको ट्रिक करते। अगर उनको कुछ खाने की इच्छा है तो वो ट्रिक करेंगे कि ये खाओ वो खाओ ऐसे ना, और फिर वो उस चीज़ का एंजॉय करते हैं। तो ये इस तरह की एनर्जीज हैं जो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं, ओके। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, ओके, आप पैसा कमाने की चाह है, तो वो ऐसी चीज़ें करेंगे कि जहाँ पे आप भटक जाओ, पूरी तरह से भटक जाओ। क्योंकि देखिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये लिटरली ये जो एनर्जीज है ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मास्टर गेम्स खेलती है, माइंड गेम्स खेलती है, ओके। अब मैं ये देखना चाहूँगी, देखिए बहुत ज़्यादा हो चुका मेरे को, अब आपको बिल्कुल भी वो उस फॉर्म में नहीं लाना। अब मैं यहाँ ये देखना चाहूँगी कि आपके लिए कौन इन नेगेटिव एनर्जीज से लड़ता है, ओके। अब मेन हीरो की बारी आती है, अभी विलन की बारी आ गई, अब मेन हीरो की बारी आती है कि आपके लिए कौन इन नेगेटिव एनर्जीज से लड़ता है, ओके। फाइव ऑफ कप्स, आपके लिए कौन इन नेगेटिव एनर्जी से लड़ता है, इनके लिए कौन नेगेटिव एनर्जी से लड़ता है, इनके इनकी रक्षा कौन करता है, इनकी रक्षा कौन करता है, भगवान जी बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
इनकी रक्षा कौन करता है, इनकी रक्षा कौन करता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, इन लोगों की रक्षा कौन करता है। इनर स्ट्रेंथ। देखिए सबसे, अगर मैं बात करूँ ना, आप जब ये खराब चीजें जब आपकी लाइफ में हो रही होती है तो आपको इन नेगेटिव एनर्जी से कौन बचाता है? सबसे पहले आपकी सोल, आप खुद, है ना, आप खुद इतने सक्षम हो इन सारी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। जब आपको स्टार्टिंग में पता नहीं पड़ता, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में एक बिस्किट खाया क्या पता पड़ेगा, जब 10 12 20 बिस्किट खा गए, एग्जांपल की बात बता रही हूँ, है ना, तब आपको लगता है ओवर हो चुका है, अब चीज़ें ओवर हो चुकी है, अब इसे हटाना है, इसे ख़त्म करना है। तो आपकी सोल जो है ना, आपके अभी तक आप सो रहे होते हो, जब नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर अटैक करती है आप सो रहे होते हो, आप समझ लीजिए आपकी कॉन्शियसनेस बहुत लो लेवल पे काम करती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, ओके, आप सिर्फ जीता जागते हुए मतलब बॉडी होते और कुछ भी नहीं, ओके। बट जब चीज़ें बहुत ज़्यादा एंड तक पहुँच जाती है, तब जब आप उस लेवल बिल्कुल रॉक बॉटम वाली लेवल तक चले जाते हो, तब जाके आपकी कॉन्शियसनेस जगती है, आपकी सोल जगती है, ओके, सोल जगती है, जो सोल आपकी बॉडी में होती भी नहीं, कितनी बार नहीं होती, प्लीज़, अब ये कॉन्वर्जेशन टॉपिक है, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, सॉरी, प्लीज़ इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन मत पूछिएगा। और बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा अति हो जाती है, तब आपकी सोल जो है ना, वो पूरा जो चीज़ें खराब चीज़ें वो हाथ में लेती है, और फिर वो सबसे पहले आपकी सोल जगती है, सोल जगती है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ जगती है, आपको लगता है कि नहीं, कुछ सब खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। जब आप देखते हो ना एग्जांपल के तौर पे कि भाई इतना वेट गेन कर लिया, 110 120 गेन कर लिया, और एकदम से एक दिन अचानक क्या हुआ, सब पीछे वापस से ना वो एक्सरसाइज करने लग जाता है, सब करने लग जाता है, और एकदम से रूटीन पे आने लग जाता है, और वेट वापस नॉर्मल हो जाता है, तब उसकी आत्मा जगती है। अब उसकी आत्मा को जगाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें करी जाती है, पर अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपकी आत्मा जगती है, और आपकी आत्मा अपने अंदर आती है, और आपकी बॉडी में आती है शक्ति, आपकी बॉडी में आती है शक्ति सारी खराब चीज़ों से लड़ने के लिए, ओके। अब देखना चाहती हूँ कि और आपकी कौन रक्षा करता है, लॉर्ड शिवा। अब देखिए ये वीडियो सच में देखने वाला है, ओके, है ना, जब चीज़ें जब बहुत ख़राब हो जाती है, पता है क्यों लॉर्ड शिवा क्यों है? लॉर्ड शिवा इसलिए है क्योंकि वो उनके पास गण रहते हैं ना, है ना, वो लॉर्ड शिवा सब भगवान जी के अंदर है, कैपेसिटी पावर है, बट जब आप शिवजी भगवान का कोई भी फॉर्म, किसी भी कोई भी फॉर्म, भगवान जी का कोई भी फॉर्म आपके पास आता है और वो भी लड़ता है, जब उन्हें लगता है कि आप नहीं लड़ पा रहे हो, आप खराब एनर्जी से नहीं लड़ पा रहे हो, ओके, अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई भक्ति करी होती है, किसी भी प्रकार का कोई नाम जाप किया होता है, भक्ति की होती है, पाठ किया होता है, वो सब एक तरह से एकत्रित हो जाता है, और वो आप एनर्जी आपके अंदर डाली जाती है, और आपको जगाया जाता है, और आप में से जो लोग भगवान जी को मानते हो, रेगुलर दिल से प्रेम करते हो, फिर भगवान जी आते हैं, ओके, फिर भगवान जी आते हैं सारी नेगेटिव एनर्जीज से डील करने के लिए। अभी भी आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, उनसे हर टाइम लड़ रहा होता है कोई, आपको लगता है कि आप ज़िंदगी सिर्फ ऐसे ही जी रहे हो, नहीं, ओके, आप ज़िंदगी जब जी रहे हो ना सटल वर्ल्ड में, एनर्जी वर्ल्ड में, जहाँ पे हमें कुछ दिखता नहीं है, वहाँ पे पता नहीं कितनी चीज़ें अटैक करती है और कितनी चीज़ों से लड़ा जा रहा होता है। तो आपके साथ जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स है, जो भी शिव जी भगवान का कोई भी फॉर्म, ओके, वो सब लड़ रहे होते हैं। मैं और देखना चाहती हूँ कि आपकी रक्षा कौन करता है। आप में से कुछ लोगों के फेथ, आपका विश्वास, देखिए कितनी बार ऐसा होता है ना कि आप डगमगा जाते हो, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज को सबसे ज्यादा डर लगता है आपके विश्वास से, ओके, अगर आपका विश्वास इतना स्ट्रांग है कि मैं जहां फंसूंगी वहां भगवान जी आएंगे ही आएंगे मेरे को बचाने के लिए, ओके, मेरे साथ तो मेरा कान्हा है, मेरे साथ शिवजी भगवान है, मेरे साथ साई बाबा है, मेरे साथ हनुमान जी भगवान है, ऐसा अगर विश्वास होता है ना डियर, ऐसे विश्वास से नेगेटिव एनर्जीज दूर से ही भाग जाती है, वो कोशिश नहीं करती है अटैक करने की, क्योंकि जहां पे विश्वास होता है ना वहां पे भगवान को अपनी लाज बचाने के लिए आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और आप में से कुछ लोग
जिनका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उनसे नेगेटिव एनर्जी दूर से देखकर ही भाग जाती है। क्यों भाग जाती है? क्योंकि आप लोग रोज कंसिस्टेंटली भगवान जी के साथ रहते हो, ओके, मतलब भगवान जी के लिए कंसिस्टेंटली एक घंटा आधा घंटा कुछ टाइम देते हो, उस टाइम भगवान जी की एनर्जी आपको मिलती है और वो एक तरह का हेल्थ ड्रिंक होता है। जब आप बीमार पड़ते हो तब आप अच्छा खाना खाते हो, नहीं खाते हो? वैसे ही जब हम भगवान जी के करीब रहते हैं, रोज रहते हैं और थोड़े टाइम का एक कंसिस्टेंट हमारा रूटीन होता है, तब भगवान एक हेल्थ ड्रिंक, एक एनर्जी ड्रिंक हमें भी मिलता है। और वो एनर्जी ड्रिंक रोज पीते पीते हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमें छू भी नहीं पाती, ओके? तो आप में से कुछ लोग, वो लोग भी हो जिनके साथ हमेशा ही हर वक्त 24 घंटे 24/7 कान्हा, शिवजी भगवान, किसी भी भगवान की कोई एनर्जी रहती ही रहती है, उनकी रक्षा करती ही करती है। तो मतलब समझ लीजिए, आपके पास अगर उनकी एनर्जी है तो कोई नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। बट आप में से कुछ लोग जो कभी भगवान जी को मानते हो, कभी नहीं मानते हो, कभी कुछ करते हो, कभी नहीं करते हो, ओके, उनकी भी रक्षा होती है, ओके? और मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आपके ऊपर की गई हर बुरी शक्ति से कौन लड़ता है, क्या कौन लड़ता है, कैसे लड़ता है, मुझे देखना है। कॉस्मिक गेटवे हॉरस, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर कमिंग। ये तो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, जो भी आपके साथ रहते हैं, आप में से कुछ लोग, ओके, जो, और ये इवन इजिप्ट के भगवान जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी भगवान जी को आप मानते हो, जिन जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके साथ रहते हैं। मैं और देखना चाहूँगी कि जब आपके ऊपर मान लीजिए कोई एक तरह की नेगेटिव एनर्जी ने अटैक कर लिया, तब क्या होता है उस लेवल पे जहाँ पे हमें चीज़ें नहीं दिखती, उस लेवल पे क्या होता है? लवर्स, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड ये दिखाता है कि जब आपके अंदर कोई किसी तरह का आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर ली, फॉर एग्जांपल आपको किसी फ्रेंड ने बोला कि चलो आज ना पब चलते हैं, बार चलते हैं, और वहाँ पे मतलब आपकी इच्छा हुई कोई रोमांटिक कनेक्शन की, फॉर एग्जांपल की बात बता रही हूँ, है ना? तो जब कोई इच्छा होती है और वैसी इच्छा की मतलब इच्छा की पूरी पूर्ति करने वाला कोई ऐसे स्पिरिट्स होती है, तो वो एक तरह से अटैच हो जाती है। प्लीज़ इस चीज़ से बिल्कुल भी मत डरिएगा, बिल्कुल 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 भी मत डरिएगा, सिर्फ आपको अवेयर, आपको जागरूक करना है मुझे, ओके? तो क्या होता है, सप्रेशन है ना, आपको स्टार्टिंग में पता नहीं पड़ता कुछ भी चीज़ें, आप करते चले जाते हो, खराब जो रास्ता होता है ना उस पर मतलब चलते रहते हो। एंड देन क्या होता है, मैं ये देखना चाहती हूँ, इनोसेंस आपको पता नहीं होता, ओके, कंपैरिजन, यस, देखिए चीजें खराब हो रही होती है, स्टार्टिंग में भी नहीं पता होता, बीच रास्ते में भी आपको लगता है, क्योंकि बचपन से हमने ऐसे ही जीवन जिया है, हमने स्ट्रगल्स को, परेशानियों को, हेडेक को इतना नॉर्मल मान लिया है कि ठीक है ये तो होता रहता है। तो वो सब खराब चीज़ें हम खुद अलाउ करते रहते हैं। फिर क्या होता है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक लेवल पे चली जाती है, जब एक चीज़ें बहुत खराब लेवल पे चली जाती है, बिल्कुल हाई एक्सट्रीम हो जाता है, अब तो कुछ करना ही है, उसके बाद आप जागते हो, उसके बाद ये सूरज दिख रहा है ना, ये सूरज जग रहा है, उग रहा है, और ये ईगल भी देख रही है दूर से, तब उसके बाद मैंने कहा था ना, ये वही वाली रीडिंग है कि आपकी आत्मा जग रही है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलो, मैम हमारे साथ तो इतना सब खराब हो गया पर हमें कोई बचाने वाला नहीं आया। देखिए बचाने वाले तब नहीं आते जब आप या तो उन्हें बुलाते नहीं हो, या फिर आपका उनसे वैसा वाला कनेक्शन नहीं है, वो प्यार, वो भक्ति जो होती है ना, वो चीज़ें में थोड़ी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर चेंज होती है, सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है वो है विश्वास। जब जिस दिन आपने विश्वास रखना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आप ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट रहोगे। आपके इवन ईगल्स जो होते हैं ना, वो स्पिरिट गाइड्स भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके यूनिवर्स, यूनिवर्स का संदेश है ना। सॉरो, एंड माइंड, जो बहुत ज्यादा दुख, परेशानी, सैडनेस, रोना धोना, डिप्रेशन, अकेलापन, ये सब चीजें हो जाती है। मास्टर, देख लीजिए, अब एंड में मास्टर को आना ही पड़ता है।
आपके स्पिरिट गाइड्स को आना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिट गाइड्स आपके एकदम से, आपने कुछ आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी ने हेलो बोला और एकदम से स्पिरिट गाइड ने उसके साथ फाइटिंग कर ली, ऐसा नहीं होता। आपको चीज़ें एक्सपीरियंस कराई जाती है कि देखो ये नेगेटिव चीज़ें जो है ये कैसी होती है, चखो इसे। और जब आप चख लेते हो, एक्सपीरियंस ले लेते हो, लेसन ले लेते हो ना, उसके बाद आपके मास्टर आते हैं। जब आपकी सोल भी आत्मा भी जग जाती है, उसके बाद जब आप बिल्कुल डूबने वाली स्थिति में होते हो ना, तब मास्टर आते हैं आपको बचाने के लिए, आपको इन सारी दलदल से, सारी खराब चीज़ें से निकालने के लिए। ओके गाइज, सो गाइज इस वीडियो का इंटेंशन मेरा यहाँ पे ये है कि आप एक्चुअली में जिन भी भगवान जी को मानते हो ना, उस पर पूरी तरह से विश्वास रखो, पूरी तरह से, 1% भी डगमगाना नहीं है। आप जहाँ पे भी भटकोगे, जहाँ पे भी खराब रास्ते पे जाओगे ना, वो आएंगे आपका हाथ बचाने के लिए। बस अपना विश्वास पक्का रखना और आप उनसे रेगुलर जुड़े रहना। ओके गाइज, सो गाइज ये थी वीडियो कि आपके ऊपर की गई हर नेगेटिव एनर्जी को हराया जा रहा है। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।